नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं thelallantop.com। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को फटकार लगी है। किसने लगाई है? आईसीसी ने। दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में कोहली ने कुछ ऐसा किया जो आईसीसी को पसंद नहीं आया, जो उसकी नियम कायदों वाली किताब के मुताबिक नहीं था। गलती 11-1 वाली थी, आर्टिकल 2.12 वाली, जिसके दायरे में इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, अंपायर और मैच रेफरी या दर्शक को छेड़ना या गलत इरादे से धकियाना शामिल होता है। अब आप पूछेंगे कोहली ने ये कब किया, तो ये हुआ तीसरे टी20 मैच में जिसमें हम पहले बैटिंग करके हार गए थे। वाकया भारत की बैटिंग के वक्त पांचवें ओवर का है, जब कोहली ने साउथ अफ्रीकन गेंदबाज ब्यूरन हेंड्रिक्स से रन लेते वक्त कंधा टकरा दिया था। आप और हम इसे भले ना नोटिस कर पाए हों, मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इसको जरूर नोटिस कर लिया था। मैच के बाद उन्होंने कोहली को बुलाया तो कोहली ने अपनी गलती मानी, साथ ही उन पर जो फाइन लगाया गया उसे शांति से कबूल किया। इसे लेवल 1 की गलती माना गया, जिसमें 50% मैच फीस के साथ ही एक या दो डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। कोहली को इस गलती के लिए एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है। कोहली पर इस तरह का सैंक्शन तीसरी बार लगा है, सितंबर 2016 में नए कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद से। माने कोहली के कुल 3 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए हैं। 24 महीने के अंदर 4 या उससे ज्यादा पॉइंट्स होने पर खिलाड़ी पर बैन लगाया जा सकता है। ये एक सस्पेंशन पॉइंट के बराबर होता है। 2 सस्पेंशन पॉइंट के बाद प्लेयर पर एक टेस्ट या 2 वनडे या टी20 मैच के लिए बैन लगाया जा सकता है। माने कोहली को अब थोड़ा संभल कर रहना होगा, एक और पॉइंट उन्हें मैच खेलने से रोक सकता है और वो ठहरे कप्तान। ऐसा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है। सीरीज का पहला मैच 2 से 6 अक्टूबर के बीच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यहां होगा खिलाड़ियों का असली वाला टेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज नहीं है, साउथ अफ्रीका की टीम है। इसमें भी जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए thelallantop.com। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।